तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे एआर एजुकेशनल हब में। तो फ्रेंड्स, लगातार बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए। फिलहाल देखिए, बच्चे परेशान इस वजह से हैं कि उनको कोविड के दौरान ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बच्चे एग्ज़ाम से नहीं डर रहे हैं, बिल्कुल वो डर रहे हैं। तो इस वजह से क्योंकि वो डर रहे हैं कि कोरोना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनको पिछले साल का जो भी सिचुएशन है वो अच्छे से पता है। उनको किस तरह से एसओपी का पालन किया गया, किस तरह से बच्चों का ख्याल रखा गया। ऐसे ही बच्चे नहीं एग्ज़ाम से बाहर आते ही कोरोना पॉजिटिव हो गए, ऐसे ही बच्चे नहीं भगदड़ में पूरा कोरोना पॉजिटिव हो गए, उनके गार्जियन कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो जाहिर सी बात है, बच्चों को भी पता है कि हाँ कोरोना हो सकता है एग्ज़ाम देने की वजह से। पिछले वर्ष भी सभी बच्चे यही मांग कर रहे थे कि वो एग्ज़ाम से बिल्कुल ही नहीं डर रहे हैं, उनको डर तो है बस कोरोना से। और बच्चों पर एक और बात भी कहनी है कि अभी शिक्षा व्यवस्था इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई है क्योंकि सारे एग्ज़ाम कोचिंग संस्थान अभी सारा कुछ अभी बंद है। तो ऐसे में जितना भी परीक्षाएँ हैं वो भी अभी ऑनलाइन लेनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो कॉलेज हों या फिर कोचिंग संस्थान हो, सभी कुछ अभी बंद है। बट अभी कहना है उनका कि अभी जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो आपका ऑफलाइन होगा। तो सर ऐसा क्यों, जब आप लोग ने ऑनलाइन जब पढ़ाई करवाई है तो ऑफलाइन क्यों होगी? जब आपने जिस तरह से व्यवस्था दी है उस टाइप से ही आप लोग का एग्ज़ाम भी लेना चाहिए। और ये कौन सी बात हुई कि बच्चे जब आप कोचिंग संस्थान बंद है, स्कूल बंद है, तो फिर ऐसा कौन सा बात हो गया सर आपकी, आप लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा? तो देखिए सर, यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, मैं आप लोगों को पढ़कर बतलाता हूँ। देखिए यहाँ पर अपडेट आया है, देश में कोरोना संक्रमण बढ़ते केस के कारण बोर्ड परीक्षा स्थगित करने में उठी। इसके लिए ट्विटर पर कैंसिल एग्जाम बोर्ड ट्रेंड चलाया जा रहा है। तो नागरिकों को सुरक्षा परीक्षा दी, इस भारत में कदम उठाया जाना चाहिए। कोई यूजर्स 10वीं और 12वीं सब्जेक्ट को प्रमोट किए बिना ही पास करने की मांग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और बात चल रही है कि जो भी 10वीं और 12वीं का परीक्षा देने वाले हैं उनको सीधा प्रमोट करा दिया जाए और सीधा उनको 12th से आगे का जो पढ़ाई होता है वो कर सकते हैं, और 10th के बाद सीधा उनको 11th में एडमिशन मिल जाए, यानी डायरेक्ट प्रमोट कर जाए। देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र में परीक्षा टालने की मांग की है, आपके साथ एक महाराष्ट्र आपके साथ खड़ा है। कई यूजर्स महाराष्ट्र में होने वाले बोर्ड परीक्षा को टालने की मांग कह रहे हैं। महाराष्ट्र में गंभीर हालत बनी हुई है कोरोना की वजह से। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, लगभग लाखों की तादाद में वहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ के जो देखिए यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, इसी कारण राज्य स्कूल शिक्षा गायकवाड़ ने पहली 8वीं के बिना परीक्षा के पास करने की मांग कही थी। इसके बाद 10वीं और 12वीं के साथ साथ सीधे पास किए जाने की मांग कही। उन्होंने कहा है कि बच्चों को सीधा सीधा प्रमोट कर दिया जाए और नगर पालिका और सरकार इस संदर्भ में ठोस कदम नहीं उठाया है, बट अभी तक इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसको कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरा बात करते हैं छत्तीसगढ़ में। तो सर देखिए, छत्तीसगढ़ ने है उन्होंने भी यहाँ पर परीक्षा टालने की बात कही है। देखिए सीबीएसई की परीक्षा भी टालने की मांग, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा भी 4 मई से शुरू होने वाली है, जिसे टालने की मांग अभी उठी है। और बढ़ते मामले में देखते हुए स्टूडेंट्स ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं कैंसिल बोर्ड। आप भी जाके ट्वीट कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी जो एग्ज़ाम है वो नहीं होने चाहिए। कैंसिल आवर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम ट्रेंड चल रहा है, इस केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को टैग कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर एक और न्यूज़ है, पंजाब ने सबसे पहले महाराष्ट्र में, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद यहाँ पंजाब ने भी बात कही है कि एग्ज़ाम जो है वो कोरोना काल में नहीं लेनी चाहिए। कोरोना महामारी के कारण सबसे पहले बोर्ड टालने का फैसला पंजाब सरकार ने लिया था, और पंजाब ने ही सबसे पहला फैसला लिया था लॉकडाउन का। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पंजाब ने बड़ी घोषणा की है कि एग्ज़ाम जो है वो नहीं लेनी चाहिए। महामारी के दौरान परीक्षाएं 22 मार्च से 9 अप्रैल तक होनी थी, लेकिन कोरोना के केस बढ़ने के कारण टाल दिया गया। इन नई घोषणा के अनुसार 10वीं और परीक्षाएँ 4 मई से 24 मई और 12वीं के 20 अप्रैल से 24 मई तक होगी। तो ये कुछ बात है, कुछ अभी स्टेट जो हैं वो कह रहे हैं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पंजाब। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव लाखों के तादाद में मिल रहे हैं अभी, और कोरोना लगातार फिर से बढ़ते जा रहा है। आई नो वैक्सीनेशन चल रहा है, सभी को पता है वैक्सीनेशन चल रहा है, बट जिनको कोरोना हो जा रहा है उनका क्या? अगर उन बच्चों को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? पिछले साल आप लोगों को एसओपी का हवाला देते हुए कहा गया था कि आप लोगों का सुरक्षा का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा। बस किस तरह से आप लोगों का ध्यान रखा गया वो सभी अच्छे से जानते हैं, किस रूप से आप लोग का अच्छे से ख्याल रखा गया वो सभी जानते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी बोर्ड परीक्षा अप्रैल को, उत्तर प्रदेश में 24 अप्रैल से निर्धारित बोर्ड परीक्षाओं शुरू होने को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। आधिकारिक तौर पे कुछ भी नहीं कहा गया है, माना जा रहा है कि परीक्षाएं मई में होगी। पंचायत चुनाव के साथ कोरोना महामारी की परीक्षा टालने की वजह माना जा रहा है। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते केस के कारण मध्य प्रदेश में बोर्ड में तलवार लटकने की यही है, 30 अप्रैल से शुरू होनी थी और 22 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बैठक में कहा कि एग्जाम नहीं होना चाहिए। देखिए मध्य प्रदेश में भी कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहा है, आपको पता है कि जहाँ क्राउड का मूवमेंट
क्राउड बनेगा वहाँ कोरोना अपना रूप ले लेगा, जहाँ भी क्राउड का मूवमेंट बनेगा कोरोना फिर से अपना घर बना लेगा। तो ऐसे में अगर एग्ज़ाम सेंटर में बच्चे जाते हैं, इतने दिनों बाद एग्ज़ाम सेंटर में बच्चे एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं एग्ज़ाम देना, तो जाहिर सी बात है बच्चों को बहुत डर भी है। उन बच्चे एग्ज़ाम से नहीं डर रहे हैं, उनका कहना है कि अगर एग्ज़ाम हो तो आप मेरा ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लीजिए, हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। बच्चे ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग एग्ज़ाम कैंसिल करा दीजिए, क्योंकि उनको भी पता है कि स्वास्थ्य भी ज़रूरी है और एग्ज़ाम भी ज़रूरी है, उनका करियर भी और स्वास्थ्य भी। जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो फिर उनका करियर का क्या होगा, या फिर जब बच्चे रहेंगे ही और उनका करियर का क्या होगा, ठीक है। तो दोनों तरह से बात कही जा रही है, तो इन लोगों को अच्छे तरह से डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर अगर जिस भी स्टेट में अगर एग्ज़ाम कराया भी जाता है तो उस स्टेट में अच्छा खासा सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर जो उसका है उसको बढ़ाया जाए, ये ना कि जो पिछले साल जो हुए थे आप लोग के साथ। आप लोग अच्छे तरह से भले भांति याद होगा किस तरह से सिचुएशन में आप लोग का एग्ज़ाम लिया गया था, कैसा वहाँ पर गार्डिंग था आप लोगों का। परीक्षा होने के साथ ही साथ जैसे ही परीक्षा से भवन से जितने बच्चे सब बाहर निकले, सब पूरा क्राउड मूवमेंट बन गया था, क्योंकि आप जब तक एग्ज़ाम सेंटर में थे तभी तक आप लोग का ख्याल रखा गया। एग्ज़ाम सेंटर जैसे ही खत्म हुआ एग्ज़ाम आपका, रोड पर पूरा अफरा तफरी, कोई भी पेरेंट्स गार्जियन सभी इधर उधर घूम रहे थे, तो इस वजह से क्राउड मूवमेंट बन सकता है। आप लोग को भी पता है जेई एग्ज़ाम जो देने गए थे उनको 7 बच्चों को 8 बच्चों को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो भी उनके बगल में बैठे थे वो कोरोना पॉजिटिव थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अभी कोरोना महाकाल का रूप फिर से लिया हुआ है, पूरा कोरोना बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे में स्थिति गंभीर बताई जा रही है अभी। तो आई होप कि आप लोग अभी कोशिश कर सकते हो कि एग्ज़ाम ना हो। आज पीएम मोदी जी लाइव आने वाले हैं, इसमें साफ़ हो जाएगा कि एग्ज़ाम का क्या होगा, एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, ये आज साफ़ होने वाला है। तो आप लोग शाम को 7 बजे जरूर आज लाइव देखोगे, देखिए जो भी लिंक दिया गया हुआ है उस पर आप लोग जरूर आज लाइव देखोगे, और आप लोग भी ट्वीट करो अगर आप भी चाहते हो कि एग्ज़ाम ना हो। मैं जानता हूँ कि आप लोग नहीं चाहते हो कि एग्ज़ाम हो, मैं जानता हूँ कि आप लोग चाहते हो एग्ज़ाम हो, बट ऑनलाइन ना, ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन हो, क्योंकि आपको ही पता है कि अगर एग्ज़ाम नहीं होगी तो आप फिर एक साल पीछे चला जाओगे। जैसा कि आपकी शिक्षा व्यवस्था देखी जा रही है कि जितने भी स्टूडेंट हैं बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं, रिजल्ट बहुत ज़्यादा गिर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है एग्ज़ाम हो बट वो ऑनलाइन मोड पर हो, ऑफलाइन मोड पर ना हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जो भी चैनल पर न्यू है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोग तक सबसे पहले साझा कर पाऊँ और आप लोग मेरी बातों को समझ पाओ। मैं भी आप लोग का पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।